हेलो माय फूडीज़, क्या हाल है आप सबके। आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं बहुत टेस्टी, बहुत इजी और बहुत यम्मी रेसिपी जिसका नाम है ब्रेड पिज़्ज़ा। ये बहुत ज़्यादा जल्दी बन जाता है और आपको इसके लिए ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए यहाँ पर एक शिमला मिर्च, एक प्याज और एक टमाटर। तीनों को हमें अच्छी तरह से बारीक बारीक चॉप कर लेना है, ठीक है, जिस तरह से मैंने ऑलरेडी पहले ही करके रखा हुआ है। आप इसको अच्छी तरह से चॉप करके पहले ही अलग रख लीजिएगा एक साइड में। किसी को पनीर पिज़्ज़ा पसंद होता है, स्वीट कॉर्न्स पसंद होते हैं, मशरूम्स पसंद होते हैं, तो आप अपने हिसाब से वेजीज को कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पे एक बाउल लिया है और मुझे सारी वेजीज़ को उसके अंदर बाउल में डाल देना है। तो मैंने शिमला मिर्च, टमाटर और प्याज बाउल के अंदर डाल दिए हैं। अगर आपको सिर्फ प्याज या शिमला मिर्च पसंद हो या सिर्फ पनीर और प्याज पसंद हो, जो भी आपको पसंद हो, आप वो वेजीज़ इसके अंदर डालिएगा, ठीक है। अब वेजीज़ डालने के बाद हम इसमें अपने मसाले डालेंगे। तो मसाले डालने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर आधा चम्मच लाल मिर्च डाली है, ठीक है। लाल मिर्च डालने के बाद मैंने यहाँ पे आधे चम्मच से थोड़ा सा कम गरम मसाला डाला है और उसके बाद एक छोटा चम्मच नमक डाला है। उसके बाद हमें यहाँ पे मेयो चाहिए अपनी, तो मेयो यहाँ पे मैंने फ्रिज बर्गन की ली है, आप कोई भी ले सकते हैं। मेयो नहीं भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आप सब्जियों के अंदर ही 4-5 चम्मच आप अपना टमाटो केचप डाल दीजिएगा और उसके बाद एक चम्मच वाइट वाली मेयो डाल देना। यहाँ पे मैंने एगलेस मेयो यूज़ की है, आप कोई भी कर सकते हैं। अगर मेयो नहीं हो, 2-3 चम्मच फ्रेश मलाई के डाल देना और सबको आपस में इस तरह से मिला के मिक्सचर को बिल्कुल तैयार करके साइड में रख देना। इसके बाद हमें चाहिए पिज़्ज़ा पास्ता सॉस, जो मैंने वो भी मैंने फ्रिज बर्गन की ली है, क्योंकि ये बहुत टेस्टी भी होती है और बहुत कॉस्टली भी नहीं है। इसके बाद यहाँ पे सबसे पहले हम पिज़्ज़ा बनाना शुरू करते हैं। तो हमने एक ब्रेड का स्लाइस लिया है, यहाँ पे मैं वाइट ब्रेड यूज़ कर रही हूँ। यह आपकी मर्ज़ी है आपको कौन सी ब्रेड यूज़ करनी है, ब्राउन, वाइट, आटा, मल्टीग्रेन, कोई भी। इसके बाद एक चम्मच पिज़्ज़ा पास्ता सॉस लगाएंगे और ऊपर थोड़ी सी चीज़ डालेंगे। यहाँ पे मैंने चीज़ स्लाइसेस को ही थोड़ा थोड़ा तोड़ के ऊपर डाल दिया है। अब जो ऑलरेडी आपने मिक्सचर बना रखा है वेजीज़ का, उसको एक चम्मच ब्रेड के ऊपर पूरा अच्छी तरह से लगाएंगे और उसके ऊपर ओरिगैनो और चिली फ्लेक्स को डाल देंगे। ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। और अब इसके ऊपर हम दोबारा से चीज़ डालेंगे। चीज़ आपकी पसंद का होगा, जो भी आपको पसंद हो। मेरे पास चीज़ स्लाइसेस अवेलेबल थे तो मैंने उन्हीं को अच्छी तरह से तोड़ के नीचे भी और ऊपर भी पूरा कवर कर दिया है। हमारा मेन कॉन्सेप्ट बस ये है कि जो हमारा चीज़ है वो अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए और पूरा चीज़ी पिज़्ज़ा हमारा बन जाए। तो चीज़ आप कोई भी ले सकते हैं, जो भी आपका मन करे, ठीक है। आप उसको क्रश करके, ग्रेट करके कैसे भी कर सकते हैं। अब हमारा ये रेडी है, तो हम तवे को गरम करेंगे और उसके ऊपर थोड़ा सा बटर लगाएंगे। और अच्छी तवा गरम करने के बाद, बटर लगाने के बाद, जो ब्रेड आपने ऑलरेडी तैयार कर रखी है उसको आप तवे के ऊपर रख देंगे और उसको एक बड़ी प्लेट से ढक देंगे ताकि वो ब्रेड के साथ ना लगे, थोड़ा गैप होना चाहिए, ठीक है। उसको बार बार आप चेक करेंगे, 2 मिनट बाद, 4 मिनट बाद देखिए जो चीज़ है वो इस तरह से मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और आपको जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है यहाँ पे, वो ये कि गैस आपको सबसे स्लो पे रखनी है। सबसे स्लो पे आपको गैस रखनी है, मीडियम भी नहीं और तेज़ भी नहीं, नहीं तो जल जाएगा बेस। बिल्कुल स्लो पे गैस रखेंगे। 5 मिनट के बाद आप देखेंगे आपका पूरा ये ब्रेड पिज़्ज़ा रेडी है, बिल्कुल चीज़ आपका मेल्ट हो चुका होगा और ये आपके हाथ में है। जितना ज़्यादा चीज़ी करना है या बिल्कुल चीज़ी नहीं करना है, ये आपके ऊपर है। आप देखिए पूरी तरह से हमारे ब्रेड पिज़्ज़ा तैयार हैं। और यहाँ पे मैंने 6 ब्रेड के स्लाइसेस का पिज़्ज़ा बनाया है, अलग अलग, मतलब 6 पीस। तो आप जितने भी बनाएं, आपकी मर्ज़ी, आप इसको खाएं, मुझे सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आई हो तो मुझे लाइक भी करें, ठीक है।